हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नान। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी मलविन सिरप की। आज की वीडियो में ये सिरप के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाली हूँ, इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट, इसके डोज के बारे में। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास पहुँच रहे। गाइज, मलविन सिरप एक तरह का हेल्थ टॉनिक है। ये 200 ml में अवेलेबल है। इसका मार्केट प्राइस है 107 rupees। इसको मैन्युफैक्चर करता है जग फार्मा कंपनी। गाइज, ये सिरप एक मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सिरप है। इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6, B12, जिंक, सल्फेट, सेलेनियम, इससे बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल का यूज किया गया है। गाइज, अगर आपके खान पान से आपको सही तरीके से विटामिन एंड मिनरल्स नहीं मिल पा रहे, या आपको विटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, आपको एनर्जी नहीं रहता है, थकान महसूस होती है, बहुत जल्दी थक जाते हो, आपका स्किन बेजान है, स्किन पर कोई ग्लो नहीं है, तब भी आप ये सिरप को यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ स्किन में होने वाले रोगों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। ये भूख की कमी को दूर करता है। अगर आपको भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है, तब भी आप इसे ले सकते हो। ये हड्डियों को मजबूत करता है। ऐसे बहुत सारी बीमारी होती है जो विटामिन एंड मिनरल्स की कमी होने से। बात करें इसकी डोज की, तो 6 से 18 साल तक को लेना है 5 ml करके, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और जो 18 से ऊपर है उनको लेना है 10 ml करके, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो, या फिर जैसे आपको अपना डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो ऐसे नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप ओवर डोज ले लेते हो तो उल्टी, दस्त, अपच, मुँह में छाले, इस टाइप का कुछ साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।